स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, आज मैंने आप लोगों के लिए रीट की तैयारी कैसे करें और उसका टाइम टेबल जो है वो बनाया है। आई होप आप लोगों को सही लगेगा। जो बच्चे फॉलो करना चाहें कर सकते हैं, किसी के लिए बाउंडेशन नहीं है कि बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग चलना है, लेकिन बहुत ही सोच विचार करके मैंने इन चीज़ों को यहाँ पर रखा है, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट जो हैं वो भी आ जाएंगे। इसके अलावा आपके पास रिवीजन का जो टाइम है वो भी रह जाएगा। तो ये बिल्कुल इस तरीके से बनाया गया है टाइम टेबल कि जो सितंबर में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है, ऐसा सोचा जा रहा है। तो इसी सोच के आधार पर चीज़ों को हम लेकर चलेंगे, तो आपकी तैयारी जो है वो बीच में रुकेगी भी नहीं और रेगुलर चलती रहेगी। क्योंकि देखिए, ये चीज़ तो आप भी समझ सकते हैं कि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। डेट हमारे पास बिल्कुल फिक्स नहीं है, बस अंदाज़ा सा सभी ही लगा रहे हैं कि सितंबर में एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ मैंने 80 दिन की रणनीति जो है वो तैयार की है। अगर देखते हैं कि हमारे पास 80 या 90, इससे ज़्यादा दिन तो नहीं रहेंगे, और इतना टाइम जो है वो आप लोगों के लिए बहुत होता है, क्योंकि आप लोग तैयारी पहले करके बैठे हैं, सारी रिवीजन करके बैठे हैं। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप लोग बिल्कुल यहीं पर छोड़ देंगे तो सारा का सारा काम खराब हो सकता है। तो इसी काम को ना खराब करने के लिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए, क्योंकि अभी देखिए कंपटीशन और ज़्यादा हाई लेवल पर जाने वाला है। EWS के फॉर्म भर जाएंगे तो 16.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस कंपटीशन में भाग लेंगे। तो एग्ज़ाम जो है वो पहले से ज़्यादा टफ होने वाला है। एक एक मार्क्स के लिए ही पास या फेल, ये चीज़ सिलेक्शन जो है वो होना और ना होना, ये आधारित है। ठीक है, तो सभी बड़े हैं, सभी समझते हैं इस चीज़ को। फिर मैंने इसीलिए एक टाइम टेबल जो है वो बनाया है, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपके इंक्लूड हो जाएंगे। सभी चीज़ों में जितना टाइम दे सकते हैं वो चीज़ आपको पता चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास पता है, आपको दो भाषा हैं आपके पास, किसी ने भाषा 1 में हिंदी ली है, किसी ने भाषा 2 में इंग्लिश ली है। तो हम थोड़ा सा मान कर चलते हैं कि मान लीजिए लैंग्वेज 1 आपने हिंदी ली है और लैंग्वेज 2 आपने इंग्लिश ली है, इस चीज़ को हम मानकर चलेंगे। और हर पेपर आपका जो है उसके अंदर जो लैंग्वेज है वह 30 मार्क्स की आती है। तो लैंग्वेज जो है वह भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में, आपका सिलेक्शन पाने में। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर 6 घंटे की तैयारी ये रखा है कि डेली आपको 6 घंटे पढ़ना है। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं करी जाएगी कि 11 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, क्योंकि आप भी नहीं पढ़ पाते हैं और अब नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आप लोग तैयारी कर चुके हैं। अब 11 घंटे बैठकर पढ़ाई करना रीट के लिए तो वो कोई भी नहीं कर पाएगा। हाँ, जो कर सकते हैं वो करें। यहाँ पर मैं सभी को लेकर चलूँगी, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट हो जो कि तैयारी रेगुलर करते हैं। 6 घंटे जो हैं वो काफ़ी होते हैं आपकी बेहतर तैयारी के लिए। तो कैसे करेंगे कि बिना किसी कोचिंग के आप खुद घर पर सेल्फ स्टडी करके और अपना सिलेक्शन जो है वो ले सकें। तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे लैंग्वेज 1 की, भाषा प्रथम की। तो मैंने यहाँ पर हर पार्ट को 10 दिन में बांटा है। तो 10 दिन बहुत होते हैं एक भाषा को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करने के लिए, क्लियर करने के लिए, सभी चीज़ करने के लिए। ठीक है, तो भाषा जो प्रथम है उसको मैंने दिया है 10 दिन। आप 10 दिन में भाषा प्रथम बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, तो जून 20 के बाद अपना ये टाइम टेबल जो है वो बना लीजिए। आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं तो इस अकॉर्डिंग भी चलें। भाषा प्रथम जो है वो 10 दिन दें। आपको क्या पढ़ना है सभी जानते हैं, RBSC की बुक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक, जो रचना प्रबोध है आपकी, व्याकरण, हिंदी व्याकरण 9th और 10th की। यहाँ से आपको सारा मैटर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलता है, बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, आपको सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती है, तो आप ये पढ़िए। उसके बाद भाषा प्रथम हिंदी में ही जो भी आपके पास ऑनलाइन मैटर पहले से है, ऑनलाइन कोर्स भी आपने लिया हुआ है, उसको पढ़ें। पुराने पेपर जो हैं उनको सॉल्व करें। आइडिया होता है
कि कैसे क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर पूछे गए हैं या उससे पहले भी पूछे गए हैं, क्योंकि जब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो देखिए हर चीज़ की एक वो बनानी पड़ती है। अगर आप लोग तरीके से नहीं चलेंगे, स्ट्रेटेजी जो है वो बनाकर ही चलिए। तो देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आपको बुक पढ़नी है, ऑनलाइन जो भी आपके पास कोर्स है, कोई भी मैटर है वो पढ़िए, और पुराने पेपर सॉल्व करिए। भाषा प्रथम 10 दिन आपको पढ़नी है, 10 दिन से ज़्यादा जो है वो सही नहीं है, 10 दिन काफ़ी हैं। उसके बाद बात करूँगी भाषा सेकंड की, इसे भी आप 10 दिन मानकर ही पढ़िए। मान लीजिए आपने 20 जून से लेकर और 30 जून तक आपने क्या पढ़ा, भाषा प्रथम पढ़ी। उसके बाद आप लगाइए कि 10 दिन आपको लैंग्वेज टू पढ़नी है, चाहे वह है आपकी संस्कृत है, इंग्लिश है, ठीक है, जो भी आपने फॉर्म में फिल की थी। तो यहाँ पर भाषा सेकंड में भी वही रोल रहता है कि कोई भी ग्रामर की बुक जो है, जहाँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक हो, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, टेंस हैं, ठीक है, इसके अलावा आपके जो दिया हुआ है कि फोनेटिक सिंबल हैं, तो जो ग्रामर की बुक है आपकी, चाहे वो RBSC की हो, चाहे वो NCERT की हो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक हैं उनको आप पढ़ें। खुद के नोट्स जो हैं आपने बनाए हुए हैं पहले से ही, उनको आप पढ़ें। पुराने पेपर जो है वो सॉल्व करें। तो यहाँ भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय, दोनों की बात जो है वो आपकी 20 दिन में क्लियर हो जाएगी। इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, तो अब इतना काफ़ी है, आप लोग पहले से ही कर भी चुके हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है। अब कौन सी बुक पढ़ें, ये चीज़ मैं आपको बताती ही जा रही हूँ कि भाषा प्रथम जो है वो आपको केवल और केवल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो हिंदी व्याकरण है, वहाँ की 9th और 10th काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। और पुराने पेपर तो सॉल्व करने ही हैं। इसके अलावा भाषा सेकंड में भी यही बात है, खुद के नोट्स जो हैं जो आपने बनाए हुए हैं उनको करें। और हिंदी व्याकरण के जो लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो मैंने ही यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल डाले हुए हैं, टेस्ट जो हैं वो आपके लिए भी गए हैं, तो प्लेलिस्ट में वो चीज़ डाली जा चुकी है, वहाँ पर आप रेगुलर देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। तो चलिए चैनल की बात जो है वो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम वो बात करेंगे जो चैनल से अलग हो, यानी आपके खुद के नोट्स जो हैं आप जिनसे पढ़ रहे हैं। तीसरी बात करेंगे मनोविज्ञान की, ये भी आपका 30 मार्क्स का आता है। यहाँ पर भी आपको कितना है, 10 दिन देना है, 10 दिन मनोविज्ञान को ही देना है। क्या पढ़ना है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक पढ़नी है, 11वीं और 12वीं की, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है आपने, वहाँ से पढ़िए, आपने खुद के नोट्स तैयार किए होंगे, आप वहाँ से भी पढ़िए। तो 10 दिन में आप ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं मनोविज्ञान को। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चे एक दिन में ही सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बहुत हौच-पौच हो जाता है। बहुत ही ध्यान से मैंने इन चीज़ों को इकट्ठा किया है कि कैसे आप लोग सारे सब्जेक्ट भी याद कर लो और लास्ट टाइम में आपका रिवीजन का टाइम भी बच जाए और उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। तो 10 दिन आपने हिंदी लैंग्वेज 1 को दिए, और उसके बाद आपने लैंग्वेज 2 को 10 दिन दिए, फिर आपने मनोविज्ञान को 10 दिन दिए, तो इस हिसाब से आपके जो 30 दिन हो जाते हैं, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें ही आपकी कितने मार्क्स की हो जाती है, 90 नंबर की हो जाती है, ठीक है। तो 90 नंबर तो पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए होता है आपकी, इन तीनों को करने पर, इन तीनों में आप यदि बहुत अच्छे तरीके से इनको कर लेते हैं तो सोचिए 90 नंबर तो आपके आ ही गए। उसके बाद कंपटीशन है, 90 नंबर के बाद। अब आता है SST का मैटर, यानी कि सामाजिक अध्ययन का। इसके लिए देखिए काफ़ी बड़ा पोर्शन है, तो यहाँ मैंने 20 दिन जो हैं वो निकाले हैं आप लोगों के लिए। 30 दिन आपके, पूरा एक मंथ जो है वो आपने पहले कर लिया लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में, मनोविज्ञान में। अब आप 20 दिन जो हैं वो निकालेंगे सामाजिक अध्ययन को। क्लियर है इतनी? तो 20 दिन में आपको पढ़ना क्या है, काफ़ी बच्चे जो हैं वो नए जुड़े हैं, जिन्होंने पहले तैयारी जो है नहीं कर पाए थे किसी भी परिस्थिति की वजह से, तो वो भी सुन लीजिए कि सामाजिक अध्ययन की तैयारी आपको कहाँ से करनी है। वही RBSC की बुक, ठीक है, और कोई बुक नहीं, RBSC की बुक 6 से 10 तक की, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति जो अलग से 10th क्लास में है,
उसको आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो छठी से लेकर 10वीं क्लास तक आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक पढ़ते हैं, उसके बाद आप इन चीज़ों को पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बस बुक उठाई और एक बार रीडिंग कर ली, रीडिंग करने से कुछ नहीं होता है। काफ़ी बच्चे तो 3-4 बार उनको निकाल भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, तो उनको बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाती हैं। तो अगर आपने रीडिंग कर ली है तो फिर आप क्वेश्चन आंसर सीरीज़ जो है वो लीजिए, चाहे तो चैनल पर ले सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल 6 से लेकर 10th तक की कंप्लीट जो है वीडियो यूट्यूब पर फ्री में डाली हुई है। एक एक चैप्टर की, एक एक पैराग्राफ में जितने आ सकते थे क्वेश्चन, तो वो सभी हैं। इससे बाहर जो है वो एग्ज़ामिनर जो है बाहर से नहीं देने वाले, इन बुक में से ही देंगे। तो यहाँ चैनल पर, जो भी यूट्यूब चैनल पर आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से 0 से लेकर बिल्कुल अंत तक करवाई गई है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। आप लोग यहाँ से नहीं करना चाहते हैं, आप लोगों ने बुक से किया है, कई बच्चे बुक में ही हाईलाइट कर लेते हैं और वहाँ से खुद के नोट्स तैयार करते हैं, तो वहाँ से करें। या फिर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है तो आप क्या वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल 20 दिन में आपको सामाजिक अध्ययन बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से, एक भी टॉपिक जो है वो नहीं छोड़ना है। 20 दिन बहुत होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि आपके 50 दिन जो हैं, 50 दिन का पूरा कार्यक्रम आपका पूरा होता है, आपके सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आप लोग पढ़ लेते हैं। अब लास्ट टाइम जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, रिवीजन का टाइम। रिवीजन का टाइम तो चाहे किसी बच्चे ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली हो उसे भी चाहिए, जिसने कम कर पाया है उसे भी चाहिए। अब रिवीजन का टाइम जो है उसके लिए मैंने कितने दिन निकाले हैं, तो देखिए 50 दिन आपने पहले ले लिए हैं, उसके बाद 30 दिन जो हैं वह रिवीजन के टाइम के लिए निकाले हैं, यानी पूरा एक मंथ जो है वो रिवीजन को देना है। इतने अच्छे तरीके से मैं बताऊं आपको, इतने अच्छे तरीके से आप लोग एग्ज़ाम पार करके और यहाँ तक कि 115 या 120 प्लस मार्क्स जो हैं वो आप ले सकते हो, बिल्कुल लिया जा सकता है। क्योंकि पहले से ही आप लोग, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कोई भी चीज़ ना पढ़ी हो, काफ़ी बच्चे पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, काफ़ी ने आधा पढ़ लिया था, ठीक है। तो देखिए अब पूरा एक महीना आपको केवल और केवल रिवीजन को देना है, जिसमें इनको भी आप पार्ट में बांट लें। आप 5 दिन लैंग्वेज 1 को दें, 5 दिन लैंग्वेज 2 को दें, 5 दिन आप साइकोलॉजी को दें, और उसी तरीके से SST जो है वो 15 दिन आप लीजिए रिवीजन टाइम में। अब बताइए आपकी तैयारी जो है वह है कितनी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो टाइम टेबल जो है वो बहुत सोच समझ कर बनाया गया है, इसमें इतना टाइम लगता है टाइम टेबल को बनाने में भी, ठीक है। जिस तरीके से आप ये सोचते हैं कैसे पढ़ें, दिन की शुरुआत कैसे करें, सबसे पहले क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, इसी तरीके से मुझे भी बहुत टाइम लगा है हर चीज़ को लेने में, कि कैसे बच्चे जो हैं इस चीज़ को हैंडल करेंगे, सारे सब्जेक्ट भी आ जाएं, और बच्चे जो हैं वो इतना 11-11 घंटे 12-12 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, कोई भी नहीं पढ़ता। जो IAS PCS की तैयारी करते हैं, हाँ वो लोग फिर भी कोशिश कर लेते हैं, लेकिन रीट की तैयारी के लिए 6 घंटे काफ़ी हैं अब इस टाइम, क्योंकि पहले काफ़ी बच्चों ने टाइम जो है वो दे चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं। अब आप 6 घंटे की तैयारी मानकर जो है वो चलाइए, डेली जो है वो 6 घंटे आपको मानने हैं कि मुझे पढ़ना ही है। तो देखिए जो 12 घंटे में, जो 12 घंटे में आप लोग पढ़ रहे पहले, तो अब आपको क्या करना है, 6 घंटे जो है वो केवल और केवल किसको देने हैं, पढ़ाई को देने हैं, ठीक है। तो यही जो है वो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। तो देखिए अब इसके बाद आपको, अब मैं चैनल के बारे में बताऊंगी कि चैनल से आप लोग क्या कर सकते हो, क्योंकि अभी भी कई बच्चे बोलते हैं कि अब हम क्या करें, कहाँ से पढ़ें इस चीज़ को। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लर्न विद रितिमन पर जो आपका सामाजिक अध्ययन है SST जो है वो कंप्लीट 6 से 10 तक डाली जा चुकी है।
जिस तरीके से आप लोग बुक पढ़ रहे हैं उसी तरीके से आपको डिट्टो क्या मिलेगा, क्वेश्चन आंसर सीरीज मिलेगी। आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर लर्न विद दितिमन पर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको कंप्लीट हिस्ट्री मिलती है, कंप्लीट पॉलिटी मिलती है, कंप्लीट ज्योग्राफी मिलती है। बिना किसी स्वार्थ के मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ डाली हुई है। आपको किसी भी चैनल पर इतने अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से एंड तक नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते भी हैं, ठीक है। और राजस्थान का इतिहास जो है 10th क्लास की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ वह भी चल रही है, आप उससे भी जुड़िए। आप बुक पढ़ रहे हैं तो फिर क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल बुक ही है। यदि कोई बच्चा जो है जिसके पास बुक नहीं है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक नहीं है, तो मैं ये भी कहूँगी कि वो ना भी खरीदे और केवल क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को ही करे, काफ़ी है उसके लिए। हिंदी व्याकरण के लिए अगर बताऊँ तो पुराने पेपर जो हैं वो सॉल्व करवाए हैं मैंने और चैनल की प्लेलिस्ट पर डले हुए हैं। और जो साइकोलॉजी है वह लास्ट ईयर जो भी क्वेश्चन आए थे वह बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यूनिट वाइज डाले हुए हैं, ठीक है। और जो आपकी 12 यूनिट हैं आपकी सिलेबस में, अगर आपने सिलेबस बहुत अच्छे से देखा हुआ है और आपने देखा है कि उसमें 12 यूनिट हैं पूरी, उसके जो टेस्ट पेपर हैं वो भी लिए जा चुके हैं और वो दोबारा भी लिए जा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट पेपर पहले लिए गए हैं तो अब वो आपके काम नहीं आएंगे, बिल्कुल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से ही बनाए हुए हैं और आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यूनिट जो हैं वह डाली हुई हैं। उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, हर एक यूनिट में आपको 50 क्वेश्चन जो हैं हर टेस्ट में मिलते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उनको भी आप करिए अच्छे से। तो ये चीज़ आपको हर चीज़ जो है वो बतानी ज़रूरी है। और अंत में मैं बस यही कहूँगी कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, खुद के नोट्स से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी करिए जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं। तो इतना ज़्यादा टेंशन में नहीं आना है कि अब हमारा पेपर नहीं हुआ है, अब हम कैसे पढ़ें। चीज़ें वही हैं, आपको क्या करना है, इनको बार बार पढ़ना है। जो बच्चे बार बार नहीं पढ़ेंगे वही अंतिम टाइम में मात खाएंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिलेक्शन जो है वो पक्का अपना करवाना ही है। और जिस तरीके से मैंने ये शेड्यूल बनाया है उस तरीके से आप बिल्कुल इनको करिए फॉलो। इसमें मुझे कम से कम 3-4 दिन जो है वो इस चीज़ को सोचने में लगा है कि कैसे जो है वो बच्चे मैनेज करें अपने टाइम को, क्योंकि अब जो टाइम है इसमें ज़्यादा बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। उनके दिमाग में यही टेंशन है कि एग्ज़ाम जो है वो अब पता नहीं डेट आएगी कब और हम कैसे टाइम दें। सुबह होती है, शाम हो जाती है, हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो अब ये डेली 6 घंटे आप कब पढ़ेंगे ये आपको डिसाइड करने हैं। आप अपने तरीके से डिसाइड करिए, क्योंकि सभी का अपना टाइम टेबल जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग का और नाइट का होता है। तो 6 घंटे का लगाकर आप लोग टाइम टेबल बनाइए कि मुझे 6 घंटे जो है वो कैसे देने हैं, ठीक है। ऐसे एक एक करके सारे जो सब्जेक्ट हैं इनको क्लियर करते जाइए। जो भी आपको कमज़ोर लगता है उस पर 1 घंटा जो है फालतू दे देना, ठीक है। 1 घंटा फालतू देंगे उस पर तो वो चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर लर्न विद द्युतिमन से कम 1000 से भी ज़्यादा बच्चों ने PDF जो है वो ली हुई है, जहाँ आपको ये क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो मिलती है, ठीक है। तो उन बच्चों को इतना फ़ायदा हुआ है, इसीलिए वो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की PDF लेने के बाद भी चैनल पर ही देखते हैं। कोई भी टेस्ट होता है तो वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ मिलती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है आपको कि कहीं से भी क्वेश्चन लेकर आया जाए और आपको वो चीज़ करा दिया जाए। तो आप लोगों की वजह से ही ये चैनल चलता है। तो इस चैनल पर मेरा ये उद्देश्य है, मेरा ये फ़र्ज बनता है कि आप लोगों को सही राह के आगे मैं ले चलूँ, सही राह दिखाऊँ, और आप उस पर चलकर जो है वो बस आपका जो उद्देश्य है एक कि मुझे रीट में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं वो आप पूरा कर सको। तो इसी तरीके से वीडियो को मैं यहाँ पर ही विराम देती हूँ। 80 दिन की जो रणनीति मैंने आपको बनाकर दी है इसके अकॉर्डिंग आप चलिए, अगर आपको पसंद आए तो।
डेली आपको 6 घंटे पढ़ना है बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी कोचिंग के अपना सिलेक्शन जो है वो करवाना है। तो चलिए इसी तरीके से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।